आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम एकेडमी हिसार में। तो भाई पिछली क्लास में हमने जो अपना नाव और धारा का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था भाई। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बताया साधारण ब्याज के बारे में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक का पोर्शन है ना, आज हम वही करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई एक भी। तो अपनी अपनी कॉपी निकाल लो और साधारण ब्याज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज हमारा जो चैप्टर है शुरू करते हैं अभी हम। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज के मतलब इसके मीन का पता करते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या। देखो साधारण ब्याज होता है ना भाई, साधारण ब्याज के लिए हमें क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज ना लगाना। अभी मान के चलो मैं आपको दे देता हूँ 100 रुपये, ठीक है। मैंने आपको अभी हम देखो थोड़ा क्रिटिकल पढ़ते हैं कि मैं आपको दे देता हूँ 100 रुपये और मैं आपको बोल दूंगा कि मैं इसके एक साल बाद आपसे 110 लूंगा। इन्हें सीधी सी बात है, मैंने दर कितनी ले ली, 10%। तो इस साधारण ब्याज में क्या रहेगा कि हर साल में अगले साल 120 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे 130 हो जाएंगे, मतलब हर साल में 10% का मतलब क्या रहेगा कि जो मैंने ये दिया था अपना प्रिंसिपल था जो, यानी कि जो मूलधन बोलेंगे इसको हम हिंदी में, और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का 10% लूंगा, ना कि चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मैंने 10% बोल दिया, 100 का 10 ले लिया 110 हो गया, आगे फिर इसका 10% लूंगा, इसका 10% लूंगा, तो भाई हो जाएगा 121, ठीक है ना। ये वाली बात जो हम देखो नियमित रूप से यूज करते हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा हम क्या यूज करते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे भाई, कि मान के चलो मैंने किसी को बोल दिया कि मैं आपको 1,00,000 रुपये दे रहा हूँ और 2 रुपये सेकंड क्लास दे रहा हूँ, पर महीने उसका हो गया 2,000 ब्याज, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा ना अगले महीने की मतलब 1,02,000 का ब्याज लूंगा भाई, सीधी सी बात है, बात कितने पे चली थी 1,00,000 पे, स्टार्टिंग कहाँ से 1,00,000 से, तो जो स्टार्टिंग होगी हमारी वो 1,00,000 से हो रही है ना, तो प्रॉपर हमारी वही चलेगी, जो हमारा मूलधन रहेगा वो प्रॉपर वही रहेगा, 1,00,000 ही रहेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैंने ये पोर्शन आपको बता दिया कि जो भी साधारण ब्याज है चाहे वो 1 साल की बात हो, चाहे वे 2 साल की बात हो, चाहे वो 5 साल की बात हो, वो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज के लिए हमने भी यही पढ़ा है कि ये बराबर रहेगा, हर साल सेम रहता है साधारण ब्याज, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात वही हम पढ़ेंगे, देखिए दूसरी बात हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज के बारे में पढ़ रहे हैं कि साधारण ब्याज क्या है, एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 के मुताबिक दर का प्रतिशत घटाने के लिए। और देखिए एक बात याद रखोगे, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, साधारण ब्याज, सिर्फ साधारण ब्याज प्राप्त होगा भाई इस फार्मूले से, ये नहीं होगा कि आपके पास जो अपना मिश्रधन होगा वो आ जाएगा, सिर्फ आपको साधारण ब्याज ही प्राप्त होगा। अच्छा दूसरी तरफ मैं बात करूं ब्याज निकालने के लिए, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं मिश्रधन मेरे को दे दिया और ब्याज मेरे को दिया नहीं, पहली बात तो एक बात बताओ, मिश्रधन जो होगा वो क्या होगा, टोटल जो हमने मूलधन दिया था उससे मिश्रधन कम होगा या ज्यादा होगा, है किरोडीमल, कम होगा या ज्यादा होगा। देखो भाई जो मिश्रधन होगा ना वो हमारा हमेशा जो हमारा मूलधन होगा उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हम उसके ऊपर क्या ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। ब्याज का मतलब क्या है कि मैंने 100 रुपये दिए, 2 रुपये सकता ले रहा हूँ, अगले महीने कितना ले लूंगा मैं, 102 ले लूंगा, उससे अगले महीने 104 ले लूंगा, फिर 106 108, हर महीने 2 रुपये बढ़ेंगे, तो वो क्या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, तो सीधी सी बात है इसमें जो हमारा पैसा होगा वो क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, ये बात आप हमेशा याद रखो, कॉमन सेंस की बात है सीधी सी। तो मिश्रधन हमारा होगा ना वो क्या होगा भाई, 100 प्लस दर गुना
समय प्रतिशत जो हमें मिश्र धन हम प्रतिशत देखें तो क्या होगा 100 प्लस दर गुना समय प्रतिशत। अब ये 100 प्लस दर गुना समय प्रतिशत की बात कैसे आई, कहां से आई, ये बात हम देखते हैं। देखो आपको पहली बात तो ये याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन जो हमारा प्रिंसिपल का दर जो हमें दी गई होगी, समय जितने समय के लिए हमने दिया है और 100 किसके लगाया हमने, दर का प्रतिशत हटाने के लिए हम इसमें ये लगाते हैं। इसके बाद जो ये मिश्र धन वाली बात बताई मैंने, मिश्र धन बराबर 100 प्लस मिश्र धन प्रतिशत बराबर 100 प्लस दर गुना समय प्रतिशत। अब एक बात देखो भाई, सबसे पहले तो एक चीज का याद रखोगे भाई, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसमें कभी भी एक्शन नहीं मानेंगे, हम इसमें बात करेंगे तो क्या करेंगे, मूलधन मानेंगे। मूलधन कितना मानेंगे, 100 रुपए। शुरू से पढ़ तैयार हो गए आप, माना मूलधन 100 रुपए, ठीक है। तो माना मूलधन क्या होगा, 100 रुपए होगा। मैं अभी यहां पे ये ले लेता हूं, लेकिन आप ट्राई करके देखते हैं, देखो एक चीज, माना मूलधन 100 रुपए, मैंने समय मान लिया भाई 2 साल और मैंने दर मान ली 20%, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बोल दूं कि इसका मिश्र धन प्रतिशत कितना होगा, मूलधन का मिश्र धन प्रतिशत। अभी मिश्र धन प्रतिशत या कितने मिश्र धन कितने प्रतिशत ज्यादा होगा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि 100 प्लस दर कितनी है 20, समय 2, 100 प्लस 20 गुना 2 40, यानी कि 100 प्लस 40 बराबर क्या होगा 140 प्रतिशत। देखो 100 प्रतिशत तो पहले ही था टोटल, अब ये मिश्र धन कितना हो रहा है 140 प्रतिशत, यानी ब्याज हमें कितना प्राप्त हो, ब्याज प्रतिशत हमारे क्या है 40%, ठीक है। ब्याज कितना है भाई 40%, ठीक है। पहली बात हमारी होगी क्लियर आउट। उसके बाद दूसरी बात देखो, हम देखते हैं कि जो बात मैंने आपको बताई थी साधारण ब्याज, इससे हमारी ये चीज भी फाइंड आउट हो जाएगी जो हमने भी पढ़ी है, मूलधन हमारा 100 गुणा दर 20, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय 2 साल अपॉन में 100 से 100 कट गया, 20 गुना क्या होगा भाई 40। अब देखो 100 से हमें कितना मिला 140, मिश्र धन में भी यही बात आ गई, तो ये बात हमारी आंसर प्रूव्ड होती है यहीं पर कि मिश्र धन हमारा क्या होगा, मिश्र धन प्रतिशत बराबर 100 प्लस दर गुना समय प्रतिशत, ठीक है। ब्याज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अभी देखो इसका है ना, हम ब्याज वाले टॉपिक पे आगे बात करें, आगे आता भाई हमारा एक चक्रवर्ती ब्याज। पूरे के पूरे साधारण ब्याज में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है हमें, और वो कौन सी है भाई, वो चीज है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बेसिक इसका छोटा सा है लेकिन चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत से टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, ठीक है। ब्याजों का अंतर होगा, कुछ भी दिया होगा हमें, देखो ब्याजों का अंतर जब भी होगा साधारण ब्याज के लिए, आप एक बात याद रखोगे कि साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है, समान रहेगा, चाहे साल 5 हो 7 हो 10 हो, जो दर शुरू में है कन्फर्म अगर ये दर दे दी कि पहले साल का ब्याज इतना है, दूसरा भी बनेगा, तीसरा भी, हाँ दर चेंज हो रही है फिर ब्याज अलग अलग हो जाएगा कि पहले साल दर 5% थी, अगले साल 10% हो गई, फिर चेंज हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर दर सेम है तो ब्याज वही रहेगा, क्यों, क्योंकि ब्याज का ब्याज इसमें नहीं लगता, ठीक है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और मिश्र धन प्रतिशत के लिए मिश्र धन प्रतिशत बराबर 100 प्लस दर गुणा समय प्रतिशत, ठीक है। मेनली ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद भाई, इसके बाद हमने देखो ये पढ़ाया अभी, एग्जाम्पल लेके मैंने आपको सभी को समझाया कि मिश्र धन प्रतिशत भी बता दिया और साधारण ब्याज निकालना ही बता दिया। इसके बाद हमारा ब्याज में आता है एक चक्रवर्ती ब्याज, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का जो बेसिक है वो हम एक ही क्लास में कर लेंगे, बाद में इनके क्वेश्चन अलग अलग क्लास में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, यानी कि देखो अब मैंने साधारण ब्याज में आपको क्या बताया था कि मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, 10 रुपए ब्याज ले रहा हूं, ठीक है, आगे कोई ब्याज नहीं, 10-10 रहेगा हर साल, उसमें क्या रहेगा 10 रुपए का फिर से 10% ब्याज, यानी मैंने 10 का तो ले लिया, 100 का तो ले ही रहा हूं,
प्लस मैं क्या करूंगा कि जो 10 रुपए मेरे बढ़े हैं ना अगले साल, मैं उनका भी ब्याज लूंगा। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला उसके लिए पढ़ा था, इसके लिए हम पढ़ेंगे एक फॉर्मूला। उसमें एक फॉर्मूला हमने क्या कौन सा पढ़ा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें एक चीज होती है, उसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा था, ब्याज। और इसमें हमें क्या प्राप्त होगा भाई, मिश्र धन। इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1+ दर बटे 100, और जो समय होगा उसको हम क्या लिख देंगे, इसकी पावर में लिख देंगे। यही हमारा क्या होगा, मिश्र धन। यानी किसका मिश्र धन, चक्रवर्ती ब्याज का मिश्र धन हमें किससे प्राप्त हो जाएगा, इससे प्राप्त। चक्रवर्ती ब्याज के लिए हम क्या लगाएंगे, मूलधन इंटू 1+ दर बटे 100 × 100 और पावर में 7। ठीक है, होगी ये बात। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके इसका भी समझाता हूं। एरोबिन ले लें एक एग्जाम्पल, देखिए भाई इसका एक एग्जाम्पल लेके आप समझते हैं कि एक बात तो मैंने आपको पहले बोली, मूलधन मान लो, मूलधन कितना मान लो, 100 रुपए, समय 2 साल, 10। ठीक है, मैंने आपको एक तो ये तरीका बताया, एक होता है इसमें भी फ्रैक्शन से, या फिर हम क्या बोलते हैं कि हम बोलेंगे हम प्रतिशत के तरीके से निकाल सकते हैं जिसको। प्रतिशत कैसे, जैसे 10% पहले साल का 10%, फिर टोटल जो आ गया दूसरे साल का 10%, फिर जो आ गया तीसरे साल का 10%, ऐसे। और एक था हमारा जो फार्मूला हमने यूज किया था, देखो फार्मूले के हिसाब से सबसे नंबर वन पहले बात हम करते हैं हमारे फार्मूला, इस पे करते हैं भाई, जो हम मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था उसके ऊपर। मूलधन हमारा 100 × 1+ दर 10/100 और पावर में 100 आ गया। 10 से कटेगा 10 पे, 10 और 1 11 एलसीएम लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई, 11/10। अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां गलत लेंगे, 100 × 11/10 × 11/10, 10 से 10, 0 से 0, 2 0 से 2, 0 11 11 121, 121 रुपए। ये देखो क्या आया भाई, ये मिश्र धन है या ब्याज है, 100 रुपए हमने दिया था, हमें प्राप्त कितना हो गया, 121 रुपए। तो ये हमारा क्या आया भाई, मिश्र धन। मैं आपको यही बात बता था, इसमें ब्याज नहीं मिलेगा हमें, चक्रवर्ती ब्याज में हमें ये फार्मूला लगाने पर, ये तरीका लगाने पर हमें क्या प्राप्त होगा भाई, मिश्र धन प्राप्त होगा, ना कि हमें ब्याज प्राप्त होगा। आप ये बात याद रखोगे, ये छोटी सी बात है, छोटा सा फार्मूला है। अच्छा, दूसरी बात जो हम करते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे देखिए हम ब्याज कैसे करते हैं। जब भी हम फ्रैक्शन में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो फ्रैक्शन पे कैसे पढ़ेंगे, बात कितने की है, 10% की, समय 2 साल, यानी कि 10% बढ़ेगा कितनी बार, 2 बार, किसका, एक तो जो हमने शुरू में दिया है उसका, और उसके बाद जो हमें पहले साल प्राप्त होगा उसका, लास्ट में तो हिसाब होना ही है, होगी ना दो बातें। तो देखिए 100 रुपए हमें मूलधन आपको कितना मिल रहा है भाई, 100 रुपए पहले साल के लिए क्या होगा, 10%, 100 का 10% कितना होता है, 10 10 ऐड कर दो क्या हो गया, 110 रुपए। फिर दूसरे साल के लिए इसका 10% करोगे, 10% के लिए मैं आपको पहले भी प्रतिशत में एक बात बता चुका हूं कि लास्ट वाला जो एक अक्षर है ना, या तो उसके अगर कुछ न्यूमेरिकल पूरा पूरा तो पॉइंट लगा दो, और जीरो है तो लास्ट के एक जीरो हटा दो, तो इसका कितना रहेगा, 11 110 11 क्या हो जाएगा, 121 रुपए। बात तो भैया नहीं, या फिर हम इसको क्या करेंगे, देखो जैसे कि अभी हमारे पास था 10% का मतलब होता है 1/10, गुणा कर दिया क्या आ गया भाई, 10 10 उसमें ऐड कर दो क्या हो जाएगा, 110, गुणा कर दो 1/10 से,
जीरो जीरो बटे क्या आ गया 11, 11 और 10 21 रुपए क्या आ गया ब्याज, और टोटल हमारे पास क्या था 100, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा भाई 121। ये था भाई चक्रवर्ती ब्याज किसका भाई, चक्रवर्ती ब्याज का। अच्छा चक्रवर्ती ब्याज की बात हो चाहे साधारण ब्याज की बात हो गई, पहले साल का जो भी हमारा ब्याज रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है, वो चक्रवर्ती और साधारण क्या होगा बराबर होगा, समान होगा, उन दोनों के अंदर कोई भी हमारा फर्क नहीं होगा, चाहे वो चक्रवर्ती हो या फिर कोई साधारण, ठीक है, उसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा। एक बात कहो, क्या ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाएगा एक साल के अंदर? नहीं लगेगा, साधारण ब्याज के लिए भी यही बात रहेगी। दूसरी बात, चक्रवर्ती ब्याज में भाई एक तरीका होता है उलझाने के लिए बच्चों को, कि क्या बोलेगा वो 1.5 साल 1.5 ईयर 2.5 ईयर 3.5 ईयर 4.5 ईयर, तो उसका एक अच्छा सोल्यूशन अपने पास कई है जो इससे करवाएंगे कि प्रतिशत से निकालो आप, ये निकालो वो निकालो। अब मान के चलो यही, मैं इस 2 साल की जगह आपको 1.5 नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं। मूलधन में कह रहा है कि 100 रुपए, दर हमें कह रहा है 20%, और समय हमें कह रहा है 1.5। अब देखो, अब बच्चा तो पजल हो जाएगा भाई 1.5 पावर कैसे लगाऊं, या फिर इसका आधा कैसे करूं, 6 महीने का ब्याज तिमाही पे कैसे लेके जाऊं, 6 माही पे कैसे लेके जाऊं। इसके लिए एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं देखते हैं, कि ये जो मूलधन है ना ये सेम रखो, दर है ना इसको आप आधा कर दो, हाफ कर दो, और जो टाइम है इसको डबल कर दो, जो टाइम है इसको क्या कर दो डबल कर दो, और निकाल के देखो आप एक बार, 100 रुपए है भाई, वेट से करेंगे 100 रुपए है हमारे पास। 1+ दर क्या है हमारी, अब 10/100, ये क्या हो गया 3 साल हो गया, डेट की जगह ये क्या हो गया भाई 3 साल हो गया। अब देखो 100, ये हमें पता था 10, 10 और 11 होता है, 11/ ऐसे होगा भाई, कट गया 11 की करेंगे 11 11 121, और 121 की 11 से करो, 121 × 11/10, नीचे 10 एक रह गया ना, 11 1 11 1 11 2 22 और 1 23 3 हासिल दो, 11 1 11 2 1331/10, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 133.1 रुपए। ये देखो इतना आसान है, देखो जो बेसिक फार्मूला लेके चलता है ना वो कभी भी मार नहीं खाएगा, फ्रैक्शन से करके देख लेते, वो ज्यादा पजलिंग पड़ेगा इससे, क्यों? अब देख क्यों का, क्यों की बात करता हूं, बात होगी 1.5 साल की, कितने साल की 1.5 साल की, दर कितनी 20%, मूल दर 100 रुपए, पहले साल 100 से क्या हो गया 120 रुपए। अब 120 रुपए का ब्याज देख आधी साल का, और कितने प्रतिशत से 20% से, तो 12 2 24 24 का आधा क्या आएगा 12, 132 रुपए आएगा, कितना होगा 100, क्या आपका नाम मिला ऑप्शन, और ये करेक्ट जवाब है हमारा बिल्कुल, 132 मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा, 133.1 मिल जाएगा, 33.1 रुपया मिल जाए, तो ये हमारा सही जवाब हो गया ना। हाँ तो देखो मर्जी आपकी है, कोई भी कैसा भी करो भाई, मेरा तो बताने का है, जो आप करोगे वो आप ही करोगे, ठीक है ना। तो भैया देखो ये था इसका बेसिक फार्मूला का, और यही तरीका हमें मोस्टली अपनाना है। चक्रवर्ती ब्याज का जो पोर्शन है वो छोटा सा है, साधारण ब्याज का जो पोर्शन है वो लंबा है, यही हमारा बेसिक था बस, इसका बेसिक बिल्कुल ही आसान है। वैसे इसके जो अच्छे अच्छे टाइप्स है ना वो हम बीच में आते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, बस आपको एक ब्याज के अंतर का याद रखना, कभी पता है कैसे करता है कि 3 साल का ब्याज दे दिया 5 साल का ब्याज दे दिया, अंतर दे देगा और हमें पूछ लेगा कि 3 साल में ये होती है 5 साल में, दो जो अंतर है ना उनके बीच वो क्या है, 2 साल का ब्याज साधारण ब्याज हमें सब बराबर रहता है, 2 साल के ब्याज को हम 2 से भाग कर देंगे क्या प्राप्त हो जाएगा 1 साल का ब्याज प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा साधारण ब्याज है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज का भी सिंपल सा पोर्शन है, ठीक है।
ओके, कोई दिक्कत कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई तंगी है कोई दिक्कत लग रही है आप तो पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आप अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस के साथ भाई, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, इसका बेसिक जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। मिलते हैं साधारण ब्याज, ये हमारा में भी 5-6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। साधारण ब्याज प्लस चक्रवर्ती ब्याज, एक हफ्ते का समय लगेगा हमें इसको करने में अच्छे से। वैसे तो 3-4 दिन का भी हो जाए लेकिन एक हफ्ते का समय हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू यूट्यूब फैमिली, आपने भाई हमारी क्लास को अच्छे से पढ़ा, ज्वाइन किया, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।